तो जैसा कि आप सभी छात्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ट्वेल्थ के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैं फुल सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। जो आज एग्जामिनेशन हुआ है 3 फरवरी 2020 को, जो एग्जामिनेशन हो चुकी है, मैं उसके क्वेश्चन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सही करने की कोशिश की है, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सही है। इसमें से अगर एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आके उसका आंसर कर दें, और कोई भी कमेंट करने से पहले कमेंट बॉक्स चेक कर लें कि उसका आंसर सही किया गया या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और अगर आपको भी चाहिए कल के केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में आ जाए, जैसा कि मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया था उससे लगभग 35 क्वेश्चन मैच हुए हैं, तो कल भी आपका मैच हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ये ऊर्जा की इकाई होती है, इसको भी मैंने बताया था, गैस में दिया था, ये देखिए आ गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो एम इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एफ एल बटा एफ नॉट 1 + D/FE, दो का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोल्ट किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q, W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलॉम, तो जूल एक जूल पर सेकेंड, एक जूल पर कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये जो गेट आप देख रहे हैं वो कौन सा गेट है, तो ये एक एंड गेट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियोएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, अर्ध आयु बराबर 0.693 गुना औसत आयु, ऑप्शन नंबर डी सही है ये संबंध। नेक्स्ट है दो समान धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लगा के सी डैश का वैल्यू निकाला है C/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारावाहक होते हैं छिद्र या कोटर, ये भी मैंने गैस में दिया था, देखिए आ गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ये भी मैंने गैस में दिया था, ये भी देखिए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा कैसा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ, उसमें मैंने निकल दिया था, देखिए लोहा आया है, लौह चुंबकीय पदार्थ, उसमें मैंने बताया था लोहा निकल कोबाल्ट होता है, तो ये देखिए लोहा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था, दिया था आप लोगों को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितने डायोप्टर में होती है, आप एक दिन पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर होगी प्लस में, और यहां पर मैंने फॉर्मूला लगा के आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, इसका वैल्यू होता है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, तो 2 होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेरियन वेरी गुड वाइफ इसका सूत्र होता है, तो BBR, RR है तीसरे नंबर में, तो 012, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक का घनत्व कितना होता है, तो नाभिक का घनत्व लगभग होता है 2.2×10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितनी घट जाती है, तो परमाणु की संख्या 2 घटती है, क्योंकि एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, तो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलॉम में दो प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या 2 घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू D/λD, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा होती है AT, ए एम्पियर का और टी सेकंड का, AT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मैंने दिया था, ये भी देखिए आ चुका है, और ये ऊपर वाला व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का भी मैंने गेस में दिया था, आप जाके एक दिन पहले का वीडियो चेक कर सकते हैं। पलांग का स्थिरांक की क्या बीमा है, ML²T⁻¹⁰, 20 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, अमीटर का प्रतिरोध एक है, इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी मैंने दिया था, 25 का ही दिया था और 25 का ही क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी द्विआधारी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो आइए प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है इसको चेक कर लेते हैं।
तो 24 का ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक गुना इसके जो पथ की लंबाई होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें किसके समान होती है, तो ये अल्फा किरणें बीटा किरणें या कैथोड किरणों के बराबर नहीं होती, ये एक्स किरणों की जैसे न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट पर मीटर का मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक एएमयू किसके बराबर होता है, तो एक एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई 1.6 × 10⁻²⁷ केजी जो कि एक प्रोटॉन का आवेश होता है उसके बराबर होता है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एलजी और एलएम में क्या संबंध है, तो एलएम इज इक्वल टू 5/6 एलजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवेशिक संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, इस पर प्लस होता है, इस पर इतना ही आवेश का माइनस होता है, ये इस पर माइनस इस पर प्लस, दोनों को जोड़ देंगे शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड किरण ऋणावेशित होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉरेंज बल का व्यंजक है एफ वेक्टर इज इक्वल टू q(e⁻ + b⁻ × b⁻, बहुत सारे बच्चों ने डी लगा दिया है लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम फैराड पर मीटर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये इसके समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर 90° से 0° पहुंच जाता है यानी कि घटता है, 35 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था √r² + l² ω² के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि ये नमन कोण का मान दिया हुआ है, तो टेन लैम्ब्डा का मान कितना होगा, तो BV/BH, ऑप्शन नंबर ए, इसको V/H भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, 38 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 के समतुल्य, 39 का ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है कि कौन सा कम स्थाई है, तो इसमें होगा ऑक्सीजन। ऐसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं, हालांकि ऑक्सीजन को ही प्रीफर किया गया है सबसे कम स्थाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है, और यही अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात होती तो उसमें वोल्टेज घटता, इसमें वोल्टेज उसमें वोल्टेज बढ़ता है, इसमें वोल्टेज घटता है अपचाई ट्रांसफार्मर में। निकट दृष्टि दोष इसको भी मैंने दिया था, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर साबित हो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आपको सब्जेक्टिव के भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आज इवनिंग में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।